धनबाद का विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा प्रसाद महतो और आजसू के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुलाकात की। दोनों विधायकों ने कुलपति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विधायकों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, इन गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक विधायक सत्ता पक्ष के थे तो दूसरे विधायक विपक्ष के। विधायकों का कहना था कि रानी शिक्षण संस्था एवं विधि महाविद्यालय सहित सभी बीएड कॉलेज से 7-7 लाख रुपए की सहयोग राशि ली गई है। ये राशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं कराई गई है। पूर्व में जब भी इसकी शिकायत हुई तो 5 सदस्य जांच समिति ने इसकी जांच की। समिति ने शिकायत को सही पाया, लेकिन इसके बाद भी कुलपति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विश्वविद्यालय के छात्र भी आंदोलन करते रहते हैं और कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय को कायदे कानून से नहीं बल्कि खुद की मर्जी से चलाया जा रहा है। कुलपति ने कई डिग्री कॉलेज में पीजी की पढ़ाई बंद करा दी है, क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को भी बंद करा दिया है। इसके स्थान पर उड़िया भाषा चालू करा दी गई है। इंटर की पढ़ाई बंद करने पर भी बात उठी। विधायकों ने क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की, पीजी की पढ़ाई शुरू कराने की। धनबाद के लॉ कॉलेज में स्थानीय प्राचार्य नियुक्त करने सहित अन्य कई मांग रखी। इसके अलावा विश्वविद्यालय मैनेजमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी विवादों में रहा है। धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज के प्रचार के तबादले के बाद हुए विवाद को अभी धनबाद भूला नहीं है। कॉलेज में गुटबाजी चरम पर है। धनबाद के महिला कॉलेज में तो एक शिक्षिका ने कॉलेज परिसर में ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जो भी हो, लंबे अरसे के बाद धनबाद को यूनिवर्सिटी मिली है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी हमेशा विवादों से घिरी रहती है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।